पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। आप मेरे पीछे ये मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये इस औद्योगिक जिला और हमारे आदरणीय विकास पुरुष पालक मंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि ये मेरे गरीब भाई बहन पिछले 4 महीनों से इनका पगार नहीं हुआ है। कल इतवार का दिन था, संडे था, मेरे शहर में बाजार होता है, ये बेचारे थैलियां लेकर के बाजार में गए मगर ये कुछ खरीद नहीं पाए, क्योंकि उस बाजार में 50 रुपए किलो की प्याज थी, अरे 60-70 रुपए किलो का टमाटर था। ये गरीब चटनी भी नहीं खा सकते, क्योंकि चटनी बनाने के लिए हरी मिर्ची लगती है जो 40 रुपए पाव आती है, प्याज लगती है जो 50 रुपए किलो आती है, टमाटर लगता है जो 60 रुपए किलो आता है। ये लोग अपने बच्चों को चटनी नहीं खिला सकते तो ऐसे नगर परिषद पर मैं थूकता हूँ। ये गरीबों को पगार नहीं दे सकते, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है क्योंकि इनके हिस्से का पैसा जो है ठेकेदारों को दिया जाता है, क्योंकि उनके ठेकेदारों से इन अधिकारियों को कमीशन मिलता है। गरीब के पेट से किसी को कोई लेना देना नहीं। आज 7,000 रुपए मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस जिले के पालक मंत्री से, क्या इस शहर में 7,000 रुपए में 8,000 रुपए में एक गरीब जी सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के आमदार से, क्योंकि आज वो यहाँ आने वाले हैं और ये सवाल आप सभी ने उनके सामने रखना है कि 8,000 रुपए में क्या एक गरीब का परिवार चलता है? अगर 4-4 महीने अगर एक गरीब को पगार नहीं मिलता तो आमदार साहब इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते और क्यों इस नगर परिषद के सीओ को यहाँ से भगाया नहीं जाता? एक ईमानदार महिला थी, इस शहर का डेवलपमेंट कर रही थी, इन गरीबों को महीने के महीने पगार देती थी, इनके समस्याओं के बारे में पूछती थी। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, साइकिल से जाते जाते पैर टूट गया, उस महिला सीओ ने उसको पूरी मदद की। आज देखिए इनमें से ये जो सड़ी गाड़ियां पड़ी है, एक बार दिखाइए उसको, वाली जो तीन टप्पर है ये खींचती है मेरी बहने, भूखे पेट खींचती है, लोगों की नालियां साफ करती है, इसके बावजूद उनको पगार नहीं मिलता, इनको सेफ्टी नहीं मिलती, इनको मेडिकल का क्लेम नहीं मिलता। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ और मेरे शहरवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सबसे पहले ताला मैं लगाऊंगा इस नगर परिषद को, और जितने गुनाह दाखिल करने ना आए कर लेना, लेकिन आज अगर इनकी समस्या नहीं सुधरी तो लिख लो कल पहला ताला मैं लगाऊंगा, यानी लगाऊंगा।